अगली खबर की ओर। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि जनता को विकास से जोड़ने के का जो बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया है उसको यूपी सरकार आगे बढ़ा रही है। जिन लोगों तक पात्र होने के बाद भी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है उनको इस बार चिन्हित किया जा रहा है और विकास की मुख्य धारा में उनको लाया जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने मंत्री महेंद्र सिंह से बातचीत की। हमारे साथ मौजूद ग्राम विकास मंत्री महेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके का आपने बताया खाका तैयार, क्या कुछ और विशेष रहेगा इस प्रदेश के लिए? देखिए, बड़ी बात है कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें हमारा प्रदेश नंबर एक पर रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोग अच्छा सा अच्छा काम करके भारत में अपना स्थान बनाना चाहते हैं और जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी का सपना है उनके लिए जो कुछ भी वो निर्धारित करें उसको गरीबों तक हम पहुँचा पाएँ, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। बात कीजिए आवास को लेकर, जो चर्चा कही आपने, आवास, जल और जल संचय तीनों की बात कही और तीनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर ये सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए और क्या विशेष करें? देखिए, हम लोगों ने सर्वे किया है, देख रहे हैं जहां कहीं ये सुविधा नहीं पहुंची वहां पहुंचेंगे। आवास से जो छूट गए मुख्यमंत्री आवास में कवर करेंगे। बाकी हम लोगों ने दोबारा इसका एक बार फिर से सर्वे कराया, जो लोग सिक्स सीची से छूट गए उनको भी कवर करेंगे, कोई बचेगा नहीं, सबको मिलेगा, जो जिसका हकदार है वो उसको उपलब्ध होगा। अच्छे आवास बनेंगे और आवासों में गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, शौचालय से युक्त होगा और इसी तरीके से शुद्ध पेयजल की दृष्टि से जहां कहीं आवश्यकता हो उसको भी हम लोग सुनिश्चित करें। लेकिन माना ही जाता है कि इंसेफ्लाइटिस की जो चर्चा करी अभी आपने, कि इंसेफ्लाइटिस वहां पर भी ये सबसे बड़ी समस्या है कि पेयजल की वजह से ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जो ग्राउंड वाटर खराब हो चुका है, कई जगह ऐसी समस्याएँ, उनके लिए क्या करेंगे? आखिर पूरा गो, चाहे मुख्यमंत्री का जिला हो चाहे आसपास के तमाम जो पूर्वांचल के ज़्यादा जिले हैं, कैसे उसको सबको हमने चिन्हांकन करा लिया, सभी जगह परियोजना स्वीकृत हो गई है। इसी साल हर जितना जेई और एईएस प्रभावित क्षेत्र है उसको हम कवर कर देंगे, पाइप से शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध करा देंगे। अंतिम सवाल है, बुंदेलखंड को लेकर आप लगातार जो है सरकार संजीदा तो है, प्रधानमंत्री भी संजीदा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चेक डैम बना के नदियों को रोक दिया जा रहा है और सिर्फ एक स्पेशल एक यू कहें कि किसी पावर प्लांट या कई जगह लोग पानी रोक के सिर्फ उनको दिया जा रहा है, उसके लिए अगर आपके पास शिकायत है तो क्या करें? देखिए, जितना भी चेक डैम और बाकी सबकी जो समस्या आती है, हर विभाग अपना अपना अलग अलग काम करता है। खेत तालाब योजना के तहत कृषि विभाग कुछ करता है, लघु सिंचाई करता है और ये चेक डैम का काम सिंचाई विभाग करता है, तो मेरे विभाग का जो काम है उसमें से कहीं से कोई चीज़ आएगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तालाबों के कब्जों को लेकर अगर ये राजस्व विभाग का सब्जेक्ट है, हम लोग उनसे कहें कि जो तालाब हमारे नहीं हो पा रहे, जो जिसमें पानी संचय की जो चर्चा कर रही थी, अगर वो तालाब जो पहले सुंदरीकरण हो रहे थे वैसे अब नहीं हो पा रहे हैं तो क्या? नहीं, हम लोगों ने तय किया, नहीं निश्चित रूप से तालाब को बहुत गहरा करने की बातचीत है और तालाब के चारों तरफ मेड़बंदी करा के वृक्षारोपण करेंगे, एक अच्छा तालाब बनाएंगे, तालाब पर सीढ़ियां देंगे और पानी कहां से आ सकता है उसको भी स्रोत उसको बनाएंगे जिससे हमारे तालाब में बारह महीने पानी रहे। तो ये थे महेंद्र सिंह, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं जो है जमीन पर उतरें इसको लेकर चर्चा कर रही थी और जितना विकास कार्य है अभी छूटा हुआ उसको भी जल्द वो पूरा कर देंगे। कैंसर मानिक सालवा के साथ रामनिज भट्ट, लाइव टुडे, लखनऊ।